एक छोटा सा नोटिस है, लेकिन आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मे बी सीयूटी में फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हो, तो ऐसे में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ और स्टेट यूनिवर्सिटीज को ट्राई कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, वट एवर वो सीयूटी दे भी रहे हैं तो भी उनको लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है। तो प्लीज ध्यान से सुने कि लखनऊ विश्वविद्यालय का अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यूजी के लिए फॉर्म आ गया 2024 का। अब आप इस फॉर्म को जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2024 लखनऊ एडमिशन का, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और हाँ, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो डेट है ये ऊपर ही लिखा हुआ है, 31 मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, यानी 31 मई तक आपके पास पूरा समय है। आराम से जाइए, इस फॉर्म को फिलअप करिए। फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इनका एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी एक इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, LKOUNIV.NIC.IN। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक फोटो और सिग्नेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो होना चाहिए, और उसका KB मेंशन है ऑलरेडी वहां लिखा होगा, उस KB में आप कन्वर्ट करके फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। जो कोर्स की लिस्टिंग है वो यहाँ पे इन्होंने पूरा दे रखा है सीट वाइज। जैसे कि BA का इनका जो सीट है वो है लगभग 1350। कितना सीट है इनके पास? 1350 इनके यहाँ BA की सीटें हैं, ठीक है। ये ऑल कैटेगरी के लिए है, यानी इसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी डिस्टिंक्शन या डिफ्रेंसिएशन नहीं किया हुआ है, ये प्रॉपर पूरी सीट है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बायोमैथ का भी सीट दे रखा है, ठीक है। ये भी मैं पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसका लिंक है, वहां पे डाउनलोड कर लेना। यानी 280, 470, 180, 450 बीकॉम की सीट है इनके यहाँ, ठीक है। ये बहुत सारी LLB का भी है 5 वर्षीय, 160, BSc का 120, ठीक है, BBA का 300, और BBA टूरिज्म का 60। इस तरीके से इनके पास ये सीटें हैं जो कि आपके काम की हैं और जो फेमस हैं। फॉर्म भरने के लिए OBC और जनरल का बराबर पैसा है ₹800, लेकिन कोर्स ऐड करोगे तो पेमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? मैक्सिमम ₹1600 हो सकता है, कोर्स के एडिशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद इनका कहना है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर इन्होंने दे रखा है, इस टोल फ्री नंबर पे आप आराम से इनको कॉल करके कोई इंक्वायरी है तो कर सकते हो। होपफुली इन्होंने दिया है, इतना बढ़िया प्रॉपर वे में प्रिंट कराया है, तो हो सकता है रिसीव भी करते हो। वैसे किसी यूनिवर्सिटीज का टोल फ्री नंबर बहुत रेयरली यूज होता है, लोग ना कॉल करते हैं ना ही कॉल करने पे वो रिसीव होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दिए हैं तो साथ बात बन जाती हो। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो तो अभी इसकी रैंकिंग अच्छी है, और बता दें कि उत्तर प्रदेश के अच्छे यूनिवर्सिटीज में इसका नाम है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है जो उस एरिया में आते हैं, जो नेटिव एरिया में पढ़ना चाहते हैं। खासकर यूपी के किसी क्षेत्र से आते हो तो मेरे को लगता है कि आपको LU का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, और उन बच्चों को भी फॉर्म भरना चाहिए जिनका CUET में किसी कारण से जो एग्जाम है वो अच्छा, खैर अभी CUET UG 2024 का तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन के तौर पे इसको ट्राई कर सकते हो कि आप CUET UG की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, आप लखनऊ का भी फॉर्म डाल दो। लखनऊ का फॉर्म डालने से पहले जो मेरे माइंड में है कि हाँ क्यों डालना चाहिए, सबसे पहला यही है कि मेरा हमेशा से घर उधर था या मैं वहीं पढ़ना चाहता था तो मुझे लखनऊ में जाना है। बाकी पढ़ाई के लिए तो आपके पास अभी जब CUET देने जा रहे हो तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपके पास BHU है, इलाहाबाद भी है, DU भी है, JNU भी है, तो ये सब यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन जैसे पहले से ही माइंड में है कि नहीं, हमारे पापा जॉब उधर ही करते हैं, हमारा घर ही उधर है, हमारे वहां का जो रूट है वो हमारे घर से लगा हुआ है, तो इन सब कारणों से आप लखनऊ जा सकते हो। अगर स्टडी की बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, तो मेरे हिसाब से लखनऊ की भी पढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं कभी ऐसा नहीं सुना कि लखनऊ अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, आप इसको हमेशा एक मॉडरेट यूनिवर्सिटी में देख सकते हो, मतलब कि एज पैरल टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और फी भी यहाँ की बहुत अच्छी है। बाकी यूनिवर्सिटी देखो, इन्होंने फीस की भी लिस्टिंग करके रखी हुई थी, ठीक है,
यहाँ पे नहीं, एक और मेरे पास इनका प्रोस्पेक्टस था, तो वहां उन्होंने फीस भी मेंशन करके रखा हुआ है। तो फीस के कंपैरिजन में वहां रहने के लिए जो संसाधन है वो भी बहुत महंगे नहीं है। जैसे डीयू में जाना अपने आप में बहुत ज्यादा पैसा पे करना हो जाएगा, यहाँ लेकिन आप बहुत कम पैसे में पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, इसलिए इतना लेक्चर दे रहा हूँ कि आप अभी से चाहो तो लखनऊ विश्वविद्यालय को भी एम बना के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लखनऊ शहर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वो बच्चे जरूर ट्राई करेंगे जो उस एरिया में आते हैं, ठीक है। बस हवा मत उड़ो कि नहीं आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाना है, नहीं डीयू ही जाना है, जेएनयू जाना है, ऐसा कोई नहीं है। आप यहाँ पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हो, इसकी भी स्टडी बहुत अच्छी है। और बाकी आप अपने घर में बड़ों से बात करके फाइनली इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा अगर आपको बहुत नीड हो तो, ठीक है। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम आईडी है, एक इंस्टा आईडी है, वहां पे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। हर हर महादेव।